ये सनई का खेत है जिसको हण बोलते हैं। टाइम पास है अपना, उससे इसकी कटिंग की जा रही है सोहन जी। इसके बाद में पावर टिलर की बाकी खेती कर रहे हैं, अपना टाइम पास रहो तो उसके बाद में इसकी इसी पावर टिलर से इस खेत में वापिस जुताई कर दी जाएगी और ये जो सन है वो मिट्टी में मिलाया जाएगा। उसके बाद में यूरिया 2-3 मुट्ठी डाल के और ये खाद है वो इस मिट्टी में अच्छे से सड़ जाएगा और ऐसा करने से मिट्टी उपजाऊ हो जाती है। जिस खेत में बार बार लगातार फसलें बोते हैं सनई को बोने से खेत को उपजाऊ बनाया जाता है। तो इसमें मेन मेरा उद्देश्य था कि आपको ये पावर टिलर दिखाऊं कि जिनके पास में बड़े कृषि यंत्र नहीं हो तो ऐसे छोटे पावर टिलर से भी हम काम कर सकते हैं। और ये वीडियो मदार पंचायत के अमृतलाल किसान का है। बंद हो जाता हूँ मुझे बस।